नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज माधोगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बंगरा में बड़े ही हावभाव श्रद्धा से हजरत इमाम हुसैन की शहादत मनाई गई। हर साल की भांति इस बार भी ताजिए का जुलूस गाँव में गश्त दिया। शहीद आजम हजरत हुसैन की ये शहादत का दिन हर मुसलमान की करबला की याद दिलाता है। उन्हीं की याद में ताजिए मनाकर याद ताजा की जाती है। बंगरा में आज जगह जगह लंगर शरबत का अहतमाम किया गया था। युवाओं ने लाठी तलवार भाला इत्यादि से अखाड़ा खेला। ढोल के साथ ताजिए का जुलूस मदरसे से आरंभ हुआ और पठान मोहल्ले से तलैया मोहल्ला होते हुए पूरे गांव में गश्त दी गई। साथ ही बंगरा चौकी स्टाफ सतर्कता मौजूद रहा। चौकी इंचार्ज अतुल कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। साथ ही हुसैनी पाक की मोहब्बत में सरोबार हुए लोग भीषण गर्मी और तेज धूप में भी अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। आपको बता दें कि आज इस्लाम की तारीख 10 मुहर्रम है। आज के दिन हक और बातिल की जंग हुई थी। हुसैन के काफिले में 72 लोग थे और यजीद के पास 8000 से अधिक सैनिक थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यजीद की सेना का डटकर सामना किया। हालांकि युद्ध करते करते हुसैन के सारे 72 सैनिक शहीद हो गए, सिर्फ हुसैन जिंदा बच गए थे। ये लड़ाई मुहर्रम 2 से 6 तक चली थी। आखिरी दिन हुसैन ने अपने साथियों को कब्र में दफन कर दिया। 10वें दिन जब हुसैन नमाज अदा कर रहे थे तब यजीद ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। शाकिर चिश्ती की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।